हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, लाइफ में जब तक मिठास ना हो तब तक मजा ही नहीं आता। क्या आपको पता है कि आज मैं रसगुल्ला और मिठास की बातें क्यों कर रहा हूं? चाहे आपको मिठाई खाने का शौक हो या मछली खाने का, यकीन मानिए आज हम आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं उससे अच्छी जगह दुनिया में हो ही नहीं सकती खाने पीने के मामले में। यहाँ के लोगों के बीच में तीन चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है मिठाई, मछली और खेलना। देश में फुटबॉल खेल पॉपुलर हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों को पूजा जाता है। भारत के इसी शहर में आपको देखने को मिलता है एशिया का सबसे पुराना ट्रंप, जो आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। यही पर है देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर। आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वहां पर है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़े शहरों में से एक कोलकाता की यात्रा पर, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर देर किस बात की भैया, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कोलकाता के एक शानदार सफर पर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो खेला होबे। भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि कोलकाता भारत के चार सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये है पश्चिम बंगाल, राज्य की राजधानी है और शहर की कुल आबादी है 1,50,00,000 के आसपास। दोस्तों, कोलकाता को रसगुल्ले की भूमि माना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में मिठाई में सबसे पॉपुलर है रसगुल्ला और ये सबकी मन पसंद मिठाई है, जिसे यहाँ के लोग रसगुल्ला बोलते हैं। रसगुल्ला यहाँ की मूल मिठाई है। रसगुल्ले को सबसे पहले सन 1868 में कोलकाता के ही लोकल हलवाई श्री नोबिन चंद्र दास ने बनाया था। इस मिठाई को पॉपुलैरिटी तब मिली जब एक रहीस सेठ उनकी दुकान पर पानी पीने के लिए आए और दास जी ने पानी के साथ रसगुल्ले को भी उनके सामने परोसा, जो सेठ को बहुत पसंद आया और फिर बहुत सारे रसगुल्ले अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी खरीदे। इस तरह से ये मिठाई पॉपुलर हो गई। कोलकाता को किताबी कीड़ों का स्वर्ग कहा जाता है और किताबी कीड़ों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो ये जानकर जरूर खुशी होगी कि यहाँ पर भारत के सबसे बड़े पब्लिक लाइब्रेरी, भारत का राष्ट्रीय लाइब्रेरी से लेकर यहाँ के फेमस कोलकाता किताब मेला हर साल बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। कोलकाता भारत के उन कुछ शहरों में से एक है जहाँ फुटबॉल का जुनून लोगों के लिए सर पर चढ़कर बोलता है और इसे भारत की फुटबॉल राजधानी माना जाता है। यहाँ के साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। जब भी फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है तब यहाँ पर ब्राजील और अर्जेंटीना में ये पूरा शहर डिवाइड हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो वर्ल्ड कप यहीं चल रहा हो। इसके साथ जब यहाँ की दो लोकल क्लब खेलती हैं, तो उसका नजारा भी देखने को मिलता है। आपको अगर मौका मिले तो कभी मैच देखिएगा साल्ट लेक स्टेडियम में, जब मोहन बागन का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होता है। ये मैच देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब दोस्तों, कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग सोना भूल सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार मछली खाए बिना ये नहीं रह सकते। दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको दुनिया में इससे बढ़िया मछली का टेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा जो कोलकाता में बनाया जाता है। यहाँ पर हजारों तरह की मछलियाँ मिलती हैं। आप यहाँ का मछली खाकर दीवाने हो जाएंगे। जब भी आपको कोलकाता जाने का मौका मिले, इस जायके का मजा लेना मत भूलिएगा। ये बात तो आपको पता ही होगा कि कोलकाता में ही भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। यहाँ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में हुई। कोलकाता की मेट्रो भले ही पुरानी हो गई है, लेकिन ये ऐतिहासिक अभी भी है। इस मेट्रो पर सफर करने का अपना अलग ही मजा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन में स्थित एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो दुनिया का सबसे घना पेड़ है। ये बरगद का पेड़ लगभग 3.5 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इसे देखकर सब चौंक जाते हैं। सबको हैरानी होती है कि कोई पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है। आपने हैदराबाद की बिरयानी के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलकाता की बिरयानी का भी कोई जवाब नहीं? ये बिरयानी जब आप खाएंगे तब आपके मुंह में कैसे घुल जाएगा पानी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ की बिरयानी में आलू का इस्तेमाल खूब किया जाता है और साथ ही मटन बिरयानी का तो जवाब ही नहीं। कोलकाता का रॉयल कैलकटा गोल्फ क्लब यूनाइटेड किंगडम से बाहर यानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा दुनिया में बना सबसे पहला गोल्फ क्लब है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग पोलो का मैच खेलने के लिए आते हैं और ये कोलकाता के रॉयल लोगों की शान दिखाने का तरीका है। कोलकाता के लोगों के बीच में बात करना सबसे कॉमन चीज है। ये एक तरह की हॉबी है यहाँ के लोगों की। यहाँ पर कोई जल्दबाजी में नहीं रहता। आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो वो आपसे जरूर बात करेगा और तसल्ली से करेगा। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात पे होती है तो वो है चाय।
लोगों के बीच में चाय पीना और राजनीति की बात करना सबसे कॉमन है। यहाँ पर हर चौराहे पर चाय की दुकान दिखती है और सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, हुगली रिवर के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज गेटवे ऑफ कोलकाता के नाम से भी मशहूर है। इस ब्रिज को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। हावड़ा ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ओवर ब्रिज है। इस ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था और आज इसे टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। जो भी पहली बार कोलकाता आता है वो सबसे पहले इस ब्रिज के बारे में ही पूछता है। देश विदेश के पर्यटकों को लुभाता रहा है ये। रेलवे स्टेशन से निकलते ही शहर की तरफ आने के लिए इस ब्रिज से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म है और उसमें हर दिन 617 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन पर रुकना है तो आप आराम से यहाँ पर वेटिंग रूम में रुक सकते हैं और वो भी कम से कम पैसे में आपको एसी रूम मिल जाता है। यहाँ पर हर वक्त भीड़ चाल लगी रहती है। कोलकाता में बसा बिरला प्लेटिनेरियम एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटिनेरियम है, जहाँ पर हर रोज तकरीबन हजारों की संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको टूरिस्ट मिलेंगे जो कि स्पेन या ब्रिटेन से आए हों। इस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे को खुशी देते हैं। लोग अपने ही दुनिया में मगन रहते हैं और सबको प्यार देते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को तंग नहीं करता। यहाँ जो रिक्शा चलाते हैं उसके चेहरे पर भी आपको हंसी दिखेगी। मजे की बात यह है कि कोलकाता में हाथ से चलाए जाने वाले रिक्शा चलते हैं। कोलकाता एक से बढ़कर एक कलाकारों का भंडार है। ये कोलकाता ही की ही देन है। देश को 5 नोबेल पुरस्कार विजेता सर डोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा मिले। सत्यजीत रॉय भी कोलकाता से ही है, जिन्हें पूरी दुनिया में सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिंगर अरिजीत सिंह भी कोलकाता से ही है। दोस्तों, जैसा दुर्गा पूजा आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी, वैसे पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। यहाँ का हर एक पांडाल में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पूजा के टाइम पूरे शहर को सजा दिया जाता है। कोलकाता का काली मंदिर में भी हर इंसान जाता है। कहावत है कि यहाँ पर मांगी गई हर दुआ पूरी होती है। यहाँ के लोग माँ काली को बहुत मानते हैं। कोलकाता में 2000 से भी ज्यादा चीनी लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर हक्का चाइनीज है। यहाँ टायरेटा नाम की एक बाजार है जो भारतीय चीनी व्यंजनों के लिए पॉपुलर है, और इसीलिए कोलकाता को भारत का चाइना टाउन भी कहा जाता है। कोलकाता में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है यहाँ का नाश्ता। इस शहर में सुबह सुबह ही आपको गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाने को मिलती है और यकीन मानिए इसका स्वाद लाजवाब होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोलकाता में वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज विक्टोरिया मेमोरियल। दोस्तों, कोलकाता की पहचान है विक्टोरिया मेमोरियल, और ये कोलकाता के पॉपुलर साइट सीइंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं विक्टोरिया मेमोरियल को देखने के लिए। ये मेमोरियल महारानी विक्टोरिया की याद में सन 1901 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। ये मेमोरियल 1901 में बनना शुरू हुआ और 1921 में बनकर समाप्त हुआ। और ये इमारत ब्रिटिश शासनकाल की भारत में एक प्राइसलेस हेरिटेज है। इस इमारत में अलग अलग तरह के 25 कमरे बने हैं, जिनमें महारानी विक्टोरिया से जुड़े लगभग 3500 वस्तुएं सैलानियों के दर्शन के लिए संग्रह करके रखी गई हैं। ये मेमोरियल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को ये संग्रहालय बंद रहता है। नेक्स्ट इज शहीद मीनार। नेपाल युद्ध के दौरान सेना के नायक के रूप में उभरे सर डेविड अक्टर लोनी की याद में शहीद मीनार का निर्माण हुआ। ये मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार की तर्ज पर बनी है और इस मीनार की ऊंचाई है 158 फुट। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस मीनार पर चढ़ जाते हैं तो पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंस सिटी। दोस्तों, अगर आपको अंतरिक्ष, स्पेस या विज्ञान के कारनामों को जानने का शौक है तो आपका कोलकाता की साइंस सिटी इंतजार कर रही है। यहाँ पर रखी चीजें आपको चौंका देंगी। यहाँ डायनासोर की विभिन्न प्रजातियों को दर्शाया गया है। साइंस सिटी का उद्घाटन 1 जुलाई 1997 को किया गया। साइंस सिटी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को रोचक एनवायरमेंट देती है, जो कि हर उम्र के लोगों के लिए सही मायने में नॉलेजेबल और प्लेजरेबल है। नेक्स्ट इज बेलूर मठ। बेलूर मठ हावड़ा जिले में स्थित हुगली नदी के किनारे पर है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये एक महान तीर्थ स्थल है। 40 एकड़ में फैले इस मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1898 में करवाया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन इसी मठ में गुजारे। इसी मठ में जाकर आपको बेहद शांति का एहसास होगा। बेलूर मठ की एरिया में मां
सरदा देवी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर हैं। नेक्स्ट इज अलीपुर चिड़ियाघर। अलीपुर चिड़ियाघर विक्टोरिया मेमोरियल से काफी नजदीक है और लोग इसे कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है और इस जू की शुरुआत 1875 में ही की गई थी। यहाँ आपको रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, शेर, हाथी, जिराफ, मोर और कई प्रकार के पंछी देखने को मिलेंगे। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो फिर उनके लिए ये एक मजेदार जगह होगी। लेकिन दूसरे चिड़ियाघरों की तरह इसमें अंदर गाड़ी से घूमने की कोई सुविधा नहीं है और आपको पूरे चिड़ियाघर पैदल ही देखना होगा। इस चिड़ियाघर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एंड द लास्ट इज ईडन गार्डन। 1864 में बना ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम देश का दूसरा सबसे बड़ा तथा पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी सीट कैपेसिटी लगभग 68,000 लोगों की है। कुछ समय पहले तक ये देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद ये दूसरे स्थान पर चला गया। भारत में सबसे पहले क्रिकेट मैच इस स्टेडियम में खेला गया 1934 में। अगर इसे भारत के क्रिकेट का मक्का कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था कोलकाता। आप में से अगर कोई है कोलकाता से तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। कोलकाता और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पार्ट टू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।